मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। अभय देओल की पहचान बॉलीवुड में एक सीरियस एक्टर के रूप में होती है, असल जिंदगी में भी वो बेहद गंभीर इंसान लगते हैं, लेकिन पाकिस्तानी कलाकारों पर लगे प्रतिबंध से जुड़े सवाल पर अभय ने जो मौजूदा केंद्र सरकार के बारे में कहा है उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। I mean, if you're gonna, fine, if you want to ban anything to do with Pakistan, then go the distance. Don't just ban filmmakers, why are you doing a half-hearted job? Ban the business dealings we do, the import, the export. Because when you do half a job, no one's going to take you seriously. I don't take the government seriously because they're only banning us from collaborating with artists. They're not banning businessmen from doing business. So if you really mean what you say, then go the distance. Then I'll take you seriously. But right now, it's not looking like you mean it. It just looks like it gets you a lot of publicity and makes a lot of noise. But really, what's the point of it? I will support if you think banning anything to do with Pakistan is going to help our Jawans, fine. But I don't see the whole distance. I don't see one little bit being looked at and banned, another part of it being left open. So where is the... तो ये थे अभय देओल मोदी सरकार पर गरजते बरसते हुए। आपको बता दें कि हाल ही में अभय देओल नजर आए थे फिल्म हैप्पी भाग जाएगी में। इस फिल्म में अभय देओल ने एक पाकिस्तानी शख्स का किरदार निभाया था, साथ ही साथ इस फिल्म में अभय देओल के साथ पाकिस्तानी एक्ट्रेस मोमल शेख भी नजर आई थी। मोमल शेख पाकिस्तानी टीवी जगत का एक जाना माना नाम है। उनके पिता जावेद शेख को हम पाकिस्तान का अमिताभ बच्चन कह सकते हैं। खैर, आपको बता दें कि इन दिनों करण जौहर की अपकमिंग फिल्म ए दिल है मुश्किल को लेकर काफी हंगामा हो रहा है। कुछ राजनीतिक पार्टियां फिल्म को रिलीज होने नहीं देना चाहती क्योंकि उसमें पाक कलाकारों ने काम किया है। हाल ही में फिल्म मेकर अनुराग कश्यप ने भी मोदी सरकार से सोशल मीडिया पर कुछ सवाल किए थे जिस पर उनका काफी विरोध भी हुआ था। अब देखना यह है कि क्या अभय देओल के बयान के बाद उनका भी विरोध होता है। फिल्हाल इसी खबर के साथ फिल्म बीट में बस इतना ही।